इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने के लिए देने होंगे पैसे। मजबूरी में लिया गया फैसला, जाने लॉन्च डेट और कीमत। अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेड वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है। मतलब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। बता दें कि इससे पहले एलन मस्क की ओर से एक्स प्लेटफॉर्म के पेड वर्जन को लॉन्च किया गया था, जिसकी राह पर मार्क जुकरबर्ग चल निकले हैं। रिपोर्ट की माने तो मेटा की ओर से फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेड वर्जन को कब तक लॉन्च किया जाएगा, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेड सर्विस को सबसे पहले यूरोपियन यूनियन में लॉन्च किया जाएगा, इसके बाद इसे बाकी देश में लॉन्च किया जा सकता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेड वर्जन के साथ फ्री वर्जन भी जारी रहेगा। दोनों में अंतर बस इतना होगा कि पेड वर्जन एड फ्री होगा, जबकि फ्री वर्जन में एड देखने को मिलेंगे। क्यों लिया गया फैसला? यूरोपियन यूनियन की जांच में पाया गया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक अपने यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लेकर यूरोपियन यूनियन की तरफ से मेटा प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में यूरोपियन यूनियन ने मेटा की जांच शुरू की। दरअसल मेटा पर आरोप था कि वो यूरोप के डेटा को अमेरिका भेजता है। इस डेटा का इस्तेमाल टारगेट विज्ञापन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कंपनी डेटा एक्सेस नहीं करेगी तो मेटा और इंस्टाग्राम के कारोबार को नुकसान होगा। इसी नुकसान की भरपाई के लिए मेटा पेड वर्जन सर्विस लॉन्च कर सकती है। मार्च 2022 में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की तरफ से डिजिटल मार्केट एक्ट यानी DMA पास किया गया। इसमें मेटा जैसी कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए कई सारे कानून जारी किए गए। इसमें डेटा और प्राइवेसी एक अहम मुद्दा था।